गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो 25 दिसंबर को हम लोग जा रहे थे चर्च कैंडल्स जलाने एंड कुछ टाइम शांति से बिताने। तो हमने एक्चुअली डिसाइड नहीं किया था, अचानक से ये प्लान हुआ था। तो हम रास्ते में ही थे एंड यहाँ पे वो मेरा व्लॉग ख़राब करने की कोशिश करेगी मेरी फ्रेंड। इसको आपने देखा होगा, तो जैसे कि आपने भी देखा उसका हाथ जी फिर से। तो एनीवेज, आपने इसको देखा होगा मेरे और भी व्लॉग्स में। तो इसका इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे बिकॉज चर्च थोड़ा सा दूर था। तो यहाँ पे अगेन मैं बताऊंगी कि आगे क्या हुआ। हमारा पोपट होने वाला है अभी, तो यहाँ पे मस्त आंटी भी बस में बैठ के जा रही हैं कहीं। नहीं तो बस की हालत बहुत ख़राब होती थी पहले, तो थैंक्स टू कोरोना। तो वो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कैंडल्स बाहर क्यों जल रही हैं, वो इसीलिए क्योंकि चर्च बंद था। यस, एंड हमें कैंडल्स जो है वो बाहर ही लाइट करनी पड़ी। मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग करूँगी अंदर का भी, जो भी एरिया होगा चर्च में अच्छा दिखता है ये चर्च अंदर से। बट या हमारा पोपट हो चुका था एंड मेरा व्लॉग भी ख़राब हो चुका था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कि क्या व्लॉग करूँ। तो यही चर्च था। तो उसके बाद हम मैकडोनल्ड्स चले गए, हमें बहुत भूख लगी थी एंड उस दिन का ऐसा बैड लक था कि ये वाला बर्गर भी बहुत ख़राब था। एंड यहाँ पे मैं व्लॉग कर रही थी एंड शी इज़ लाइक कि तुम क्या कर रही हो, मैं व्लॉग कर रही हूँ यार। फिर हम बाहर आके पाव भाजी खाने लगे क्योंकि उसका टेस्ट बहुत वाहियात था। एंड या फिर हम बस घर वापस जा रहे थे एंड जो भी रोड था या फिर बिल्डिंग्स थी वो काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड थी, तो क्रिसमस वाइब्स या फिर सेलिब्रेशन वाइब्स आ रही थी बहुत। एंड मुझे सुबह से ज़्यादा रात को घूमना पसंद है क्योंकि मुझे लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं रात के टाइम पे। एंड यहाँ पे सेंट्रल मॉल में कुछ स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स चल रहे थे, तो इसमें भी हम नहीं जा पाए क्योंकि हम लेट हो रहे थे, ना ही हम चर्च जा पाए एंड ना ही हमें अच्छा खाना मिला। तो यही है गाइस लाइफ, जो आप प्लान करते हो वो नहीं होता, जो ऊपर वाला प्लान करता है वही होता है। तो ऑटो में हमारा मूड थोड़ा सा बेटर हो गया था, थैंक्स टू ऑटो वाले भैया जिन्होंने गाने चलाए थे पुराने वाले ज़्यादा। तो हम यहाँ पे ऐसी पागलपंती कर रहे थे क्योंकि मूड तो ऑफ हो ही चुका था हमारा। तो बस अब हम लोग घर जाएंगे एंड घर जाके हम थोड़ा बहुत सा सेलिब्रेट करेंगे। हम यानी कि मैं, वो तो अपने घर चली जाएगी। तो हर साल क्रिसमस पे हम लोग केक या पेस्ट्री काटते हैं, तो वो जाके होगा अभी घर पे, तो वो आप आगे देखेंगे।
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 4:03। तो इतना पहले तो मैं कभी उठी भी नहीं और व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया। तो आज मैं जा रही हूँ एक स्मॉल ट्रिप पे विथ माय न्यू फ्रेंड्स, आप बोल सकते हो। तो आपको बहुत सारे न्यू फेसेस देखने को मिलेंगे। तो एक स्मॉल ट्रिप है टू राजगीर, एंड वहाँ पे हम फोटोशूट भी करेंगे एंड और भी बहुत सारी मस्ती करेंगे। तो या मुझे तो नींद ही नहीं आई। मैंने सोचा था कि मैं 2 घंटे सो लूँगी, लाइक 2 बजे से या 1:30 बजे से, बट मुझे नींद ही नहीं आई। वो होता है ना, जैसे हमें कहीं जाना होता है तो उस एक्साइटमेंट में हमें नींद नहीं आती, तो इसी की वजह से मैं सो ही नहीं। एंड अब मैं जाऊंगी एंड फ्रेश होके रेडी हो जाऊंगी। तो या मैं मिलती हूँ आपको रेडी होके। सो या स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, उस दिन मैंने पहना था बेसिक डेनिम जॉगर्स विथ हाईनेक और टर्टल नेक स्वेटर, एंड बाल मैंने खुले रखे थे। तब में मैंने स्मोकी आइज़ की थी एंड रेड लिप्स, और इसके ऊपर से मैंने एक स्वेटर भी पहना था इस टर्टल नेक स्वेटर के ऊपर फॉर एक्स्ट्रा वार्म्थ, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं एंड ठंड का कोई भरोसा नहीं है, बढ़ और घट सकता है। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि मैं शिमला विमला में हूँ। तो फुल मैं रेडी शेडी होके निकल गई थी विथ कैप एंड ग्लव्स एंड ऑल। तो ठंड उस दिन थी लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। असली ठंड मुझे बाइक पर लगी थी। यहाँ पर मैं नॉर्मल वॉक कर रही थी एंड उसके बाद मैंने ऑटो लिया, उसके बाद मैं बाइक पे आई तो असली ठंड वहीं पे लगी। एंड जो बाइक चला रहा था उसे भी, उसने तो स्वेटर भी नहीं पहना था, उसको तो ठंड ही नहीं लगती। एनीवेज, उसके बाद हम कार में आ गए थे फाइनली अराउंड 8 बजे या, एंड बस हम जा रहे थे गाने वाने सुनते हुए। सो आप इन्जॉय कर सकते हैं व्यू। फाइनली पहुंचने वाले थे अपने डेस्टिनेशन पे, तो हमें पहाड़ दिखने लगे थे दूर से ही, तो काफ़ी सही सीन लग रहा था। एंड बीच में हमने ढाबे पे खाना भी खाया था, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया। तो व्यू बहुत ही सही आ रहा था एंड हम
और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे अंदर जाने के लिए एंड पहाड़ पे चढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम गए थे पांडू पोखर, जो कि एक पार्क है एंड नॉर्मल पार्क ही था एक्चुअली। जब हम अंदर गए तो उसमें जो बाकी एक्टिविटीज़ थी उसके वजह से ये पार्क थोड़ा सा अलग या इंटरेस्टिंग आप बोल सकते हो। लेकिन उस दिन काफ़ी भीड़ थी बिकॉज 31 दिसंबर सब लोग ही आते हैं घूमने, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो हमारे पैसे वेस्ट हो गए थे क्योंकि हमें बोटिंग करनी थी एंड और भी जो चीज़ें थी हमें ट्राई करनी थी पर हम नहीं कर पाए ऑल बिकॉज ऑफ द क्राउड। तो हमने सिर्फ फ़ोटोशूट किया एंड बस थोड़ा बहुत सा घूमा। तो मुझे तो व्यू बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है एंड ये फ्लावर्स वगैरह ये माहौल मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ बहुत दिनों तक भी, लेकिन यह आपको आना होता है वापस। तो यह हमने फ़न तो किया बहुत वहाँ पे एंड फ़ोटोशूट भी अच्छा हुआ यहाँ पे। आप ओके, तो यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था एंड स्पेशली जो ये हर्ट शेप वाली जो चीज़ है यहाँ पे कपल्स फ़ोटोशूट करा सकते हैं या फिर वेडिंग फ़ोटोशूट हो सकता है यहाँ पे एंड यहीं पे बोटिंग भी हो रही थी। सो या वहाँ से निकलने के बाद अब हम जा रहे थे पहाड़ चढ़ने। वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो यहाँ पे आप शॉपिंग वॉपिंग की भी देख रहे होगे चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली आप शॉप भी कर सकते हैं एंड आगे और भी सारी चीज़ें हैं ख़रीदने लायक अगर आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। तो सो यहाँ पे आप ट्रॉली से भी जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बहुत भीड़ थी तो हमने पैदल जाना ही प्रेफर किया, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती एंड हमें निकलना भी था, वहाँ स्टे करना नहीं था इसीलिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्वेलरीज, होम डेकोर, बहुत सारी चीज़ें थी। वैसे पहाड़ चढ़ना डिफ़िकल्ट था, जब आप ऊपर चढ़ते हो तो ऐसा आपको फील होता है कि पीछे की ओर आपको कोई खींच रहा है एंड जब आप उतरते हो तो आपको लगता है कि आप कोई धक्का मार रहा है। तो चढ़ना और उतरना दोनों ही बहुत मुश्किल और वियर्ड है। तो हमें उतरते टाइम बहुत हंसी आ रही थी बिकॉज हमें अपने बॉडी पे ही कंट्रोल नहीं था ऐसा लग रहा था, बट या ओवरऑल तो बहुत मज़ा आया एंड व्यू बहुत अच्छा था ऊपर से। सो या अरे उधर मोर दे नामी आओ यार कौन बजा रही नहीं लग रहा सा अभी बहुत पानी उल्टा चढ़ रहे ना, अभी भी शादी नहीं हुआ मेरा। सो गाइस मेट दिस क्यूटीज एंड ये बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे, बट इनसे जो मेरी फ्रेंड थी वो डर गई थी। तो ये आपसे खाने की चीज़ें मांगते हैं, बेसिकली मूंगफली मांगते हैं ये एंड यहाँ पे ये टेंपल है, इसका नाम मुझे नहीं पता, मैं मेंशन कर दूँगी। तो ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है।
2021 Back up.